आप देख रहे हैं केवल सस्पेंस। जो सहयोगी है उनसे थोड़ा सा पूछते हैं, उनको कैसा महसूस होता है जो हम साफ सफाई करा रहे हैं, ये साफ सफाई करा रहे हैं, आपको कैसा महसूस लगता है, कैसा लगता है? हम लोग काफ़ी कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है, बर्फ बरसात में काफ़ी भाई को ये पानी में डूब जाता है, स्कूल में बच्चे लोग की गाड़ी जो है वो काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ता है, जो भी बच्चा पैदल लग जाता है स्कूल में। ये मनीष सहयोगी थे जो साफ सफाई करवा रहे हैं, उनके सहयोगी ये बोल रहे हैं कि बच्चे लोग को बहुत सी कठिनाइयाँ की सामना करना पड़ता है, पानी बहुत कमर तक जमा हो जाता है और ये पुल में पानी बरसात के दिन में अधिकतर जमा हो ही जाता है। ये मनीष जो है यहाँ के काम करता है और ये इनके द्वारा अरे अधिकतर लगभग समय समय पर ये साफ सफाई के काम करवाते हैं। देख रहे हैं ये मौरा के मुख्य मार्ग से ही आ रहे हैं, अब इनसे मैं पूछता हूँ सवाल, आपको दिखने में आने पार करने में क्या कठिनाइयाँ हो रही है, आपको इस हवारा को पार करने में क्या कठिनाइयाँ को महसूस करना पड़ा? कठिनाई वगैरह सर जहाँ देखिए रहा है प्लस बादों गिर के थोड़ा सा जाम हो जाता है, जितना थोड़ा पूरा पार जा रहा है वही साफ हो रहा है, ठीक है अभी हो रहा है, तो पहले तो पहले पानी हो जाता है, पैदल जाने में भी बहुत दिक्कत होता है, पैदल और मोटरसाइकिल से आने जाने में मोटरसाइकिल भी गिर जाती है, कितना पानी है। और ये इनका कहना है कि मोटरसाइकिल से भी आने जाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये देख सकते हैं आप भीड़ को, ये आने जाने में कितना कठिनाइयाँ को सामना करना पड़ रहा है, ये सारी भीड़ है जिससे पानी जमा हुआ है और इसी माध्यम से लोग सोच रहे और बारिश की छोड़ता है और इसी माध्यम से आने जाने में किया जाता है।